उच्च न्यायालय जबलपुर और पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार छतरपुर शहर सहित संपूर्ण जिले के थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को दो पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध हेलमेट चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। छतरपुर शहर में एसपी सचिन शर्मा के मार्गदर्शन और सीएसपी लोकेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में सभी मुख्य मार्गों और चौक चौराहों पर चेकिंग जारी है, जिसमें बिना हेलमेट के वाहनों पर निकलने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। छतरपुर शहर में पन्ना रोड पर रुद्राक्ष होटल के आगे, रेलवे स्टेशन पन्ना नाका, सीओ बंगला के सामने, महाराजा कॉलेज तिराहा, पुलिस लाइन चौराहा, नया मोहल्ला, संकट मोचन, गांधी चौक बाजार, महल तिराहा, छत्रसाल चौक, बिजावर नाका, आकाशवाणी तिराहा, जोगिंदर पेट्रोल पंप, फव्वारा चौक, बस स्टैंड, नारायणपुरा रोड, ओरछा रोड थाने के सामने सहित अन्य जगहों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। बताया गया है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिसके लिए यातायात पुलिस के साथ जिले भर का पुलिस बल तैनात किया गया है। वही कंट्रोल रूम प्रभारी को चेकिंग के आंकड़े एकत्रित कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। हेलमेट न लगाए जाने पर 250 रुपए का चालान काटा जा रहा है और जो नाबालिग वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ न्यायालय से कार्रवाई की जाएगी। मैं ये आह्वान किया गया था कि हेलमेट लगातार पहन के चलें, पर कई कारणों से, खासकर वो जो कानून के प्रति जो उसकी अवहेलना की एक जो इच्छा होती है उसको लेकर लगातार हेलमेट नहीं पहना जा रहा था, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए लगभग 25 पॉइंट्स लगाए गए हैं और सभी जगह पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हेलमेट नहीं पहन रहे उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जितने भी 18 वर्ष से कम उम्र के चालक हैं उनके वाहनों को जब्त किया जाएगा और न्यायालय प्रस्तुत उनको किया जाएगा। सर, जिन गाड़ियों में नंबर नहीं है उसके लिए सर आज की हमारी सिर्फ दो ही प्राथमिकताएँ हैं, जिसमें पहला जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे चालक हैं उन पर कार्रवाई और इसके अलावा बिना हेलमेट वालों के, जो ये कार्रवाई अभी आज दिन भर चलेगी। उन्होंने और पुलिस विभाग के साथ में मिलके हेलमेट को पहनने और ट्रैफिक कानूनों का, नियमों का पालन करने के पर्पस से लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें हमारे साथ में यहाँ पर मजिस्ट्रेट लोगों के साथ में हमारे एसपी साहब शर्मा जी हैं, बाकी और अमला भी हैं, और लोगों को इन सब चीज़ों से अवेयरनेस करने के लिए कि हेलमेट से उनको नुकसान नहीं है, उनको फ़ायदा है। कई बार वो देखते हैं कि किसी घटना के कारण किसी को कोई अनहोनी हो जाती है, उससे बचाव होता है। कानून का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो उन्हीं की सुविधा के लिए, कई बार अनावश्यक किसी कारणों से परेशानी में फंसता है व्यक्ति, तो उन सब से बचाव के लिए कानूनों का पालन आवश्यक है और उसी को जागरूकता करने के लिए, उसका अवेयरनेस लाने के लिए हम लोगों ने आज ये अभियान लगाया है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि हेलमेट नहीं पहनने से कितनी नुकसान है, कैसे जाने जा रही हैं, हजारों जाने महीने में जा रही हैं इस भारत देश में। लोगों को ये समझ आए कि हम कितनी आसानी से अपनी जान को बचा सकते हैं, अगर वो हेलमेट पहनेंगे तो निश्चित रूप से हेड इंजरी रुकेंगी और मौत होना रुकेंगी, एक्सीडेंट में जो मौतें हो रही हैं हेड इंजरी कारण उन पर हम रोकथाम कर पाएंगे।